जय भोलेनाथ दोस्तों, महाशिवरात्रि के पावन के अवसर पर मैं आपको स्वागत करता हूं अपने ब्लॉग पर। हम आज चलते हैं बाबा के धाम, देखते हैं शाम के 6 बजे है, भीड़ कितना है मंदिर में। भक्तजन और श्रद्धालुजन अपने दीप दीप जलाकर यहां पर बैठे हैं। हम भी मंदिर में घूमेंगे, पूजा करेंगे और अपना दीप जलाकर महादीप जलाने तक बैठेंगे यहाँ पर। तो हम चलते हैं, पहले मंदिर के चारों तरफ थोड़ा घूमेंगे, उसके बाद पुजारी जी को बोलेंगे हमारा पूजा कर देंगे, उसके बाद हम दीप जलाकर बैठेंगे। ये देखिए भीड़ ज़्यादा बढ़ रहा है, अभी सिर्फ शाम के 6 बजे है, फिर भीड़ बढ़ेगा। अब देखिए मंदिर के चारों तरफ देवा देवियों को धीरे धीरे आगे बढ़कर हम देखेंगे, चारों तरफ घूमेंगे। ये देखिए भीड़ कितना हो रहा है, भक्तजन बहुत है यहाँ पर। चलो अब हम चलते हैं मंदिर के अंदर, देखिए यहाँ पर कितना भीड़ हो रहा है। मंदिर में लोग पूजा कर रहे हैं, भीड़ भी बहुत ज़्यादा है, हम भी अपना पूजा करेंगे। देखिए दीप जलाकर लोग बैठे हैं। चलो तो चलो हम पूजा करते हैं। अभी हमारा दूध अभिषेक हो रहा है, जल अभिषेक होगा, पूजा होगा, उसके बाद हम अपने दीप जलाएंगे और बैठेंगे महादीप के इंतजार में। आज के बहुत ही अच्छा दिन है महाशिवरात्रि, तो जो भी मनोकामना है हमारे यूजर्स को वो भी पूरा हो जाए। हमारा दीप जलाए कर बैठेंगे, दीप जला रहे हैं, यह हमारा दीप है, बिल्कुल मंदिर के सामने में बैठा हूँ। चलो अभी रात के 11 बज गए हैं, फिर पूजारी जी अपने पास महादीप को लेकर हाथे पर मंदिर के परिक्रमा करेंगे और ऊपर चढ़कर महादीप को जलाएंगे। एक दुर्लभ दृश्य है, मैं ऐसा करता हूँ आपको भी अच्छा लगेगा। अगर ऐसी भी वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए कि आगे मेरा जो भी वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अभी देखिए भक्तजन में कितना उत्साह है, भजन कीर्तन कर रहे हैं सब लोग, अब सुबह से उपवास कर रहे हैं, फिर भी देखिए जोश कितना है लोगों में, ये सब बाबा का ही महिमा है। पुजार जी मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा करेंगे, देख रहे हैं, और उसके बाद मंदिर के ऊपर महादीप को जलाएंगे। पुजारी जी धीरे धीरे सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं मंदिर के ऊपर जाने के लिए। देखिए नीचे भक्तजन हर हर महादेव उन्होंने शिवाय का जाप कर रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं, कितना भक्तिपूर्ण माहौल है। अभी ये पुजारी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं सीढ़ी में महादीप को लेकर। हम धन्य हो गए ऐसा दृश्य देखने के लिए। देखिए अभी पुजारी जी ऊपर आ गए हैं, अभी महादीप को लेकर वो भी ऊपर जाएंगे मंदिर के ऊपर, जो कलश होता है ना मंदिर के ऊपर वहाँ पर रखेंगे उसको। हम आशा करते हैं ये भी जो भी दर्शक ये देख रहे हैं उनका मनोकामना पूर्ण करें बाबा जी, और आप लोगों को भी ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ थोड़ा अंधेरा है लेकिन
आप लोगों को महादीप देखने के लिए अंधेरा किया गया है, तो महादीप के दर्शन ठीक से हो सकते हैं। लाइट में क्या होगा, आप ठीक से दर्शन नहीं कर सकते महादीप के। देखिए पुजार जी ऊपर चले गए हैं, अब महादीप को रखेंगे कलश के पास। और आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, एक बार दिल से बोलिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। ऐसा करता हूँ आपको भी ये वीडियो अच्छा लगेगा। अब देखिए एक महान दृश्य जिसके लिए शाम से हम इंतजार कर रहे थे, अभी रात के 11 बज गए हैं। पुजार जी कलश के ऊपर महादीप को रख रहे हैं। इतना अच्छा दृश्य है, तो हम धन्य हो गए ऐसा दृश्य देखे। देखिए नीचे भी लोग बहुत भजन कीर्तन कर रहे हैं, भक्तिपूर्ण माहौल है मंदिर में चारों तरफ। ढोल कीर्तन शंख आदि सब बज रहा है मंदिर के चारों तरफ। अभी महादीप को रखकर नीचे आ रहे हैं सब लोग, मैं भी ऊपर हूँ, मैं भी नीचे जाऊंगा। अभी ये देखिए नीचे का माहौल कितना अच्छा लग रहा है ऊपर से देखने के लिए। ऐसा करते ये वीडियो आपको भी अच्छा लगेगा, अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दिल से बोलेगा हर हर महादेव जय भोलेनाथ। या सब तलुकु।